नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगने से क्या फायदे होंगे, वो पूरा डिटेल आप लोगों की वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों को देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। नंबर तीन, समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगी, जो अभी मैंने बताया दोस्तों आप लोगों को कि पर्सनल लॉ के आड़ में जो महिलाओं का शोषण हो रहा था वो बंद हो जाएगा। और दोस्तों कानूनों में सरलता और स्पष्टता आएगी, सभी नागरिकों के लिए कानून समझने में आसानी होगी, क्योंकि एक कानून हो जाएगा तो समझने में भी आसानी होगी, भाई उनका दूसरा है, उनका दूसरा है, उनका दूसरा है, तो अब एक कानून में सभी को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यक्तिगत या धर्म कानूनों के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त कर दिया जाएगा, कानून के तहत सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। कुछ संविधाओं के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार समिति है, ऐसे में यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो महिलाओं को भी सम्मान का अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान कानून नियम लागू होंगे। मुस्लिम समाज में बेटी की शादी की जो न्यूनतम आयु है और हिंदू समाज के में जो अलग अलग है, इनको एक कर दिया जाएगा। मुस्लिम समाज में अभी भी कई तरह के तलाक हो रहे हैं जिनका खामियाजा मुस्लिम महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, जो अभी मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया। UCC के लागू होने से सभी समुदाय में तलाक की प्रक्रिया एक जैसे होगी, मतलब कि समान नागरिक संहिता, एक जैसा कानून होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो कृपया कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।